आइए स्टूडेंट, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं एंट्रेंस फीस की या एडमिशन फीस की। देखो बेटा, इस तरीके की कोई चीज़ें आती हैं तो उसको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेते हैं हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहले एंट्रेंस फीस के बारे में समझ लेते हैं। तो लिखिए बेटा, एंट्रेंस फीस या तो इसे एंट्रेंस फीस कह लो, एडमिशन फीस इज द अमाउंट पेड बाय अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ member of a not for profit organization। ठीक है, वो पैसा जब आप क्या करते हैं, एक मेंबर बनना चाहते हैं। सही है जी, कोई भी पर्सन अगर पैसा देता है मेंबर बनने के लिए, किसका, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का बनने के लिए, जो एंट्रेंस पैसा दिया जाता है उसे एंट्रेंस फीस कहते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? अब आगे देखो ध्यान से, एंट्रेंस फीस इज अ रिवेन्यू रिसीप्स। ये क्या कहलाती है मेरे बच्चे? रिवेन्यू रिसीप्स होती है। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसीप्स होने के कारण ये कहाँ शो की जाएगी? ये शो की जाती है बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात समझ रहे हो? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्रेंस फीस को शो किया जाता है इनकम साइड में। तो बेटे, अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में या एंट्रेंस फीस आपको या एडमिशन फीस आपको अगर गिवन है, तो हमेशा उसे कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। ठीक है बच्चे, तो ये कहाँ आ जाएगी आपकी? ये आ जाएगा बाय एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। तो आपने सीखा कि कोई भी कैपिटल नेचर की चीजें होती हैं वो लायबिलिटीज एसेट्स में जाती हैं, लेकिन अगर कोई भी रिवेन्यू नेचर की चीज होती है वो कहाँ आती है? आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है बच्चे। तो एंट्रेंस फीस को इस तरीके से शो अप किया जाता है। ठीक है बच्चे।